उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बागेश्वर में युवा मुखर हो गए हैं। युवाओं ने विभिन्न स्थानों में प्रदर्शन किया तथा प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। युवाओं ने तहसील मुख्यालय से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि प्रदेश सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिस कारण प्रदेश सरकार की परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। युवा बेरोजगारों ने कहा कि पदों को लाखों रुपयों में बेचा जा रहा है। युवाओं ने रोजगार के मामले में प्रदेश सरकार को नाकाम करार दिया, साथ ही परीक्षाओं के लिए एक साफ सुथरी व्यवस्था बनाने की भी मांग की। हमारी एक ही मांग है, जो विगत पेपर हुए हैं उनकी CBI जांच हो, क्योंकि विगत समय से अन्य जो हाकम सिंह जैसे लोग पकड़े गए, इसके बाद चतुर्वेदी जैसे लोग पकड़े गए और अन्य लोग भी पकड़े गए, उन पेपरों को अभी हमारे ऊपर फिर से थोपा जा रहा है। और वे बच्चे जो पहले पेपर में 35 लोग पकड़े गए थे, कहा जा रहा है नहीं, उनको सार्वजनिक किया गया है, और अन्य जो नहीं पकड़े गए हैं उनको अभी पेपर में बैठने दिया जा रहा है। इसमें हम लोगों के लिए कोई चारा नहीं बच जाता कि हम इस पेपर को अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि हमारा उसमें सिलेक्शन होना है इस तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा जब तक CBI जांच नहीं होती है, क्योंकि कहा जा रहा है इसमें राजनेता भी फंसे हुए हैं, नाम आ रहा है उनका, लेकिन हालांकि खुले में हम नाम नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से CBI जांच होगी, वो भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंदर, तो सोचा जा सकता है कि फिर से निष्पक्षता से फिर आगे को पेपर हो सकेंगे, अन्यथा उत्तराखंड के युवाओं का जो भविष्य है वो गर्त में ही रहेगा। छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं, जैसे आपने देहरादून में देखा कि कहा जा रहा है वहाँ धारा 144 लगा दिया है, ये लोग लोकतंत्र की बिल्कुल खुलेआम हत्या कर रहे हैं। रात को जाके वहाँ हमारी दीदी लोग बहनें सब बैठे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और उनके माता पिता आए थे, कुछ वीडियो में देखने को मिला, पुलिस वाले उन्हें भी मार रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लोग आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया भी खुल के साथ नहीं दे रही है, वास्तविकता तो ये है। तो अगर ऐसे चलता रहा तो दब जाएगा, नया हाकम सिंह होगा, और जैसे हम लोगों ने हाल ही में देखा इन विभागों में जो लोग, ये इन विभागों माने कि जो बैठ रखे हैं इस प्रकार से सत्ता में, हाल ही में कुछ दरोगाओं को बाहर किया गया भर्ती में, तो ये लोग ऐसे बैठते रहेंगे और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हम सब ऐसे ही रोड में घूमते रहेंगे। सर, हम सभी युवाएं यहाँ पर इस मांग को लेकर आए हैं कि जो भी एग्जाम कराए जा रहे हैं और इनमें जो भी भर्ती घोटाला हो रहा है, इनकी अच्छी तरीके से CBI जांच हो और उसके बाद हमारे सामने अच्छा परिणाम लाया जाए। क्योंकि दरअसल ये है, सभी लोग घरों से इतने दूर दूर तैयारी करने आते हैं, जो गरीब बेरोजगार युवाएं हैं जिनकी घर की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, वो बंदा आखिर लाएगा कहाँ से 10-15 लाख रुपए देने के लिए। और इनमें जो भी बड़े बड़े राजनेताओं का भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है, इनका भी खुलासा हो और अच्छे से CBI जाँच करके हम युवाओं को एक अच्छा मोटिवेशन दिया जाए कि तुम तैयारी कर रहे हो, आप डट के तैयारी करो। ऐसे में हो क्या रहा है कि जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो बच्चा बेचारा पिस जा रहा है। तो हमारा कुल टोटल ये है हमारा मामला कि इसकी अच्छे से CBI जांच हो, उसके बाद आगे को एग्जाम सुचारू रूप से कराए जाए। आज हम लाइब्रेरी से ऊपर DM कोर्ट तक आए, हमने रैली निकाली, और बड़ी शर्म की बात है, हमारे जो उत्तराखंड में पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, जो यहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करके देहरादून हरिद्वार जैसे कोचिंग संस्थान में परीक्षण कर रहे हैं अपना, तो वो पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद जब वापस घर आते हैं तो उनको पता चलता है हमारा पेपर लीक हो चुका है। अब ऐसे में वो आदमी बस निराशा उसके हाथ लग रही है। ऐसे में हम उत्तराखंड जो हमारी सरकार है वो बड़ी शर्म की बात है कि आप युवाओं के लिए जो CBI जांच है, जो पेपर चल रहे हैं उनकी घोटालों की CBI जांच करें। और जो कल रात को बहुत निराशा हमको देखने को मिली, जो हमारी जो बहनें हैं और जो युवा हैं उन पर लाठीचार्ज किया गया, और जो हमारे लिए जो बॉबी जी जो हमारे लिए जो जेल गए, और उनको हम आग्रह करते हैं कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए और इस मामले को शांत करने के लिए कल इन्होंने पुलिस का रिजल्ट अचानक निकाला है। उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन जिनका अच्छा खासा फिजिकल है और जो पढ़ने में ठीक हैं, तो उनका रिजल्ट, उनका नाम उसमें नहीं आ रखा है, और उनसे जो कम नंबर जिनके हैं उनका नाम आ रखा है। तो ये इस वजह से कि जो पुलिस का हो रखा है इसमें भी दोबारा CBI जांच कराई जाए, क्योंकि आज तक जितनी भी भर्ती हुई है, चाहे मैंने 2017-18 से 19 से हम भर्ती देते हुए आ रहे हैं, वीडियो का दिया, बंदरों का दिया, और ये पुराना फर्स्ट का दिया, सारे के सारे पेपर लीक हो गए। क्या पुलिस का भी लीक होना संभव है? क्योंकि इसमें भी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमें पूरा 100% हमें भरोसा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ घोटाला किया गया हो। कॉन्फिडेंस तो पहले ठीक था, अब बार बार जब पेपर लीक होते जा रहे हैं तो आदमी होपलेस होते जा रहा है, कॉन्फिडेंस नीचे। क्या पढ़े, पढ़ते वक्त भी लगता है कि पेपर हम देंगे, लीक होगा, क्या होगा आगे, कुछ भरोसा नहीं है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो हम सर सरकार को ही मानते हैं, और ये जो भ्रष्ट कुछ उनके जो नेता हैं, कुछ ऑफिसर जो जैसे चतुर्वेदी जैसे, हाकम सिंह जैसे, जो अपने ही लोगों को वहाँ सेट करने में लगे हैं, और जो बेरोजगार बंदा है वो तो कुछ बस उसको हाथ तो बस होपलेस ही लग रही है।
सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।